2024 का चुनाव शुरू हो चुका है, क्या मोदी को मिलेगी हैट्रिक या इंदी गठबंधन का कुछ खुलेगा सूरज? यह तो 4 जून को पता लगेगा, मगर मतदाता अपने अपना मताधिकार का उपयोग शुरू हो गया है। हम इस वक्त खड़े हैं उज्जैन के महाकाल महालोक में। महालोक वो स्थान है जहां पर देश भर से कोने कोने से यहां श्रद्धालु आते हैं, तो यहां श्रद्धालुओं की नब्ज़ अगर हमने पढ़ ली तो समझ लीजिए कि पूरे देश का हाल हम जान सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ लोगों से, क्या उनके मन में चल रहा है, उनकी बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। आप कहां से आए? मैं पुणे से आया हूं। अच्छा, अब चुनाव शुरू हो गया है देश में, वोटिंग भी शुरू हो गई है, आपके क्षेत्र में क्या लगता है, पुणे में क्या स्थिति? पुणे महाराष्ट्र में तो देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी वो सरकार आने वाली है, इस बार नहीं लगता कि बीजेपी आ जाएगी। उद्धव ठाकरे राष्ट्रवादी शरद पवार। अच्छा, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको, जब मोदी का एक और इतना विकास और सब तरफ ये कहा जाता है? विकास तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ किया है, लेकिन जो पर क्या कारण है, पुणे में क्या कारण है कि वहाँ गाड़ी को, कौन सी गाड़ी, पुणे में जो आपके यहाँ उद्धव ठाकरे गुट को जो मतलब आप बोल रहे हैं कि वहाँ ज्यादा माहौल है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे यही है कि कैसा है, सब जो भ्रष्ट नेता थे ना वो सब अभी बीजेपी के साथ चले गए, और बाकी के जो रह गए वो तो अच्छे आदमी ऐसा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी महाविकास आघाड़ी आएगी उधर सरकार। आप कहाँ से हैं? पुणे से। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है महाविकास आघाड़ी आ सकती है, क्योंकि बहुत सारा अभी कंपनी पुणे में प्रवेश हो रहा है, तो उन्होंने प्रायोरिटी दी है कि वहाँ पे आने वाले, जैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश हर जगह से आने वाले बेरोजगारों को वहाँ पे रोजगार प्राप्त हो जाता है। हाँ, तो इसी के आप कहाँ से आए? पुणे से। अच्छा, क्या लगता है आपको, किस तरीके का क्या चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? क्या चुनाव में सर, इधर का तो कोई नहीं मालूम नहीं ना। आपके उधर का? हाँ, हमारे इधर का तो बीजेपी का चल रहा है। अच्छा, क्या अच्छा है बीजेपी का, क्या माहौल है? बीजेपी के तो अभी अच्छा काम करते हैं ना वो। मोदी जी से खुश है लोग, या आपके स्थानीय जो हैं उनके? मोदी जी से खुश है। अच्छा, और क्या देखना चाहते हैं, और क्या आप अगले, वो कहते हैं कि तीसरे कार्यकाल में और कड़े फैसले लेंगे और देश के लिए बड़े फैसले लेंगे, आपको क्या लगता है, आपकी क्या अपेक्षा? नहीं, उनके बारे में अभी तो आइए कुछ और लोगों से जानते हैं, उनकी बात करते हैं। कहाँ से आए हो आप? बड़ौदा। अच्छा, आपके उधर चुनाव का क्या माहौल है, कौन सी पार्टी को क्या मिल रहा है? अभी कुछ आइडिया नहीं है, भाजपा को ही मिल रहा है ज़्यादा। भाजपा को? उधर देख, भाजपा को। हाँ। क्या कारण है, मोदी जी का सपोर्ट है क्या है? हाँ भाई, मोदी जी का ही सपोर्ट है। आई, आप कहाँ से आए? बड़ौदा से। अच्छा, क्या आपके उधर क्या माहौल है चुनाव का, क्या लग रहा है, किसको समर्थन दे रही है? तो भाजपा आएगी, भाजपा चलता है अभी तो उधर पूरा भाजपा का। हाँ। उसके पीछे कारण? गुजरात में तो भाजपा है, उसके पीछे कारण? मोदी का काम अच्छा है ना, इसके लिए। कहाँ से आए आप? हाट पिपलिया से। अच्छा, अभी चुनाव में क्या आपको लग रहा माहौल, कांग्रेस बीजेपी, क्या आपके क्षेत्र में हाट पिपलिया में? हमारे क्षेत्र में तो अभी तो कुछ सब वो नहीं हो रहा है। तो क्या लग रहा है, किसको वोट दोगे आप, किसका समर्थन है, क्या है? हम तो कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम उसके खाते हैं। अच्छा, सर्विस में मोदी का बहुत चल रहा है विकास और ये, और आप मालोक में भी खड़े हो। हाँ। यहाँ पे भी काफी काम हुआ बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है? तो मतलब फुल में देना चाहिए। सर कहाँ से आए हैं आप? रतलाम से। अच्छा, क्या अभी चुनाव में आपके इधर वोटिंग हो गई? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या माहौल, किस तरह, क्या मोदी फिर से आएंगे या कांग्रेस का आपके क्षेत्र में क्या है? मोदी फिर से आएंगे। अच्छा, और आप यहाँ मालोक भी आए, क्या कारण है, क्यों लगता है मोदी फिर से आएंगे? मोदी ने कार्य किए। क्या कार्य किया, जैसे थोड़ा विस्तार से बताएं। 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनवाया, और भी बहुत सी योजनाएं उन्होंने की है, बहुत से बिल पास करे हैं, इसलिए मोदी फिर आएंगे। क्या आपको क्या लगता है भैया, आप भी वोटर हो? नहीं नहीं। अभी कितनी उम्र? 15। अच्छा, अगली बार दोगे आप जी? तो आपने कुछ पापा मम्मी को कुछ बोला किसको देना? जी, नरेंद्र मोदी जी को ही। अच्छा, क्या कारण है? जी एक्चुअली देश का बहुत विकास हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसी वजह से फ्यूचर भी बहुत, जनरेशन को भी बहुत प्रॉफिट होगा, इसलिए उनको ही जिताना चाहिए। तो ये आपके जो बेटे बोल रहे हैं, आप मानेंगे इनकी बात? जी सर। क्या करेंगे, क्या वो आपके हिसाब से मोदी को वोट देना चाहिए? आप यहाँ महालोक में खड़े हैं, ये भी निर्माण अभी? नहीं, मोदी जी। मोदी जी, क्या भला करा, क्या अच्छा है? अच्छा, महिलाओं के लिए जो बहुत ये सरकार ने करा है, ये कैसे रूप में देखती हैं आप, जो अभी स्कीमें शुरू करी है, जो पैसा दे रहे हैं हर महीने, योजना का, बहना योजना का?
अच्छा घर है, ये भी अच्छा है लेडीजों के लिए। अभी चुनाव चल रहा है देश में, मोदी जी के लिए चल रहा है, हैट्रिक की बात हो रही है कांग्रेस, तो आपके इधर राजस्थान में क्या माहौल है, क्या स्थिति है? वही जो देश में है पूरे में। क्या है थोड़ा विस्तार, क्या कारण है मोदी जी फिर से क्यों आने? अब ये तो देखो, आदमी जब काम करता है तो उसी से विश्वास और अविश्वास पैदा होते हैं। उन्होंने जो काम किया है उससे लोगों को जो विश्वास पैदा हुआ है वो मेन कारण है, वरना ना हम मोदी जी से मिले ना मोदी जी हमसे। उनका काम बोल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हमारे उधर तो ऐसा माहौल है, इधर का मुझे पता नहीं। क्या देखते हैं? नहीं, अच्छा काम हो रहा है देश में, विकास भी हो रहा है, और जो दिख रहा है वो बता रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बार भी मोदी सरकार आना चाहिए। मालोक में खड़े हैं, हाँ, यहाँ पे भी बहुत काम हुआ भाई, यहाँ भी हुआ है, हाँ यहाँ देख रहे हैं हम। पहले भी आप महाकाल आए होंगे, ये बनने के बाद भी आए हैं? नहीं, आए तो पहली बार, आए तो पहली बार है, लेकिन अच्छा लग रहा है। सुना होगा आपने यहाँ के? हाँ सुना है यहाँ के बारे में, जिन्होंने बनाया है, अच्छा कर रहे हैं देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, यही होना चाहिए। जो मंदिर और इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस है सरकार का, उसको लेके किस रूप में देखते हैं? नहीं, जो हो रहा है देश में अच्छा है, और हम तो ये कहेंगे कि सनातन को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, कट्टरता नहीं होनी चाहिए, बस ये है। दादा क्या आप क्या सोचते हो, क्या फिर से मोदी सरकार को एक टर्म और मिलना चाहिए, क्या लगता है? हाँ, मिलना चाहिए मोदी सरकार को। मोदी सरकार ने जो 10 सालों में कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है, ऐसे कार्य काफ़ी समय से नहीं हो पाए। 370 हटाने का, राम जन्म मंदिर बनाने का, और भी काफ़ी आगे ऐसी योजनाएं मोदी जी के दिमाग में होगी जिनको लागू आगे के 5 सालों में करने के, तो इसलिए मोदी सरकार मौका मिली। दादा आप कहाँ से आए हो? राजस्थान से। अच्छा, आपने भी बहुत सारे चुनाव अब तक देखे हैं इतने सालों में, तो आपको क्या लगता है अभी क्या माहौल है? चुनाव देखे हैं, चुनाव में जहाँ जो भी है, यानी कि भ्रष्टाचार पहले ज़्यादा था, अब ये कम हो रहा है। इसका आंकलन चरित्र से होता है। राष्ट्रीयता अब जो है महसूस होती है कि हम भारत के देश के निवासी हैं। करेक्टर इज लॉस्ट देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। सही बात, राष्ट्रीयता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, देश प्रेम नहीं है तो सब बेकार है। यानी राष्ट्र में रहें यहाँ और कार्य विदेश के लिए करें तो बेकार है। तो आपको क्या लगता है, आप खुश हैं मोदी सरकार? मोदी सरकार से सब देश खुश है, मैं क्या? यह अभी चुनाव का शुरू हो गया है देश में, तो आपको क्या लगता है, क्या माहौल है आपके उधर, और क्या मोदी जी को तीसरा टर्म मिलना चाहिए या कुछ? मिलना ही चाहिए ना, मिलना ही चाहिए, मोदी जी है तो सब कुछ है ना, तो मिलना चाहिए तीसरा टर्म। क्या क्या आपको, क्या किन चीज़ों से खुश है, क्या सबके सब सब खुश है हम? विकास, विकास मोदी जी ने किया ना, दूसरे ने क्या कुछ किया है, सब ने पैसे ही खाया ना। मोदी क्या कहा, मोदी मोदी को कहाँ कुछ है, आगे पीछे कुछ नहीं है, वो वाइफ भी है उसकी, कहाँ साथ में रखते, पैसा उसके जेब में भी नहीं रखते, तो दूसरे वो कहाँ दूसरे का कुछ करेगा, सही है ना? उनको ईमानदारी से खुश है आप, और जो देश में विकास हो रहा है, वो ईमानदारी है तो ईमानदारी रहेगा ना, वो ही आएगा 110%। जब मुख्यमंत्री थे आपके गुजरात में, जब क्या, तब तो बहुत विकास था ना गुजरात में, बहुत विकास था तब, तो बहुत ही विकास था तब, अच्छा था, मोदी वहाँ था ना मुख्यमंत्री, नहीं अभी पीएम है तो अभी अच्छा भी है ना, तो को खाता नहीं है, किसी को खिलाता नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है सबको है। लगभग देश के कई प्रांतों के श्रद्धालुओं से यहाँ बात की, गुजरात के भी श्रद्धालु मिले हमें, राजस्थान के भी श्रद्धालुओं से बात करी, मध्य प्रदेश के तो थे ही, उसके अलावा अन्य राज्यों के भी मिले, उत्तर प्रदेश के भी मिले, तो कुल मिलाकर ये हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं मोदी सरकार के कामों से, कार्यकाल से खुश हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में एक सरकार को तीसरा टर्म फिर से देने का मन बना है। हालांकि साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोदी सरकार के कामों की जगह कांग्रेस या कहीं शिवसेना या उन कार्यों से ज़्यादा प्रभावित दिखे। अब मतदाताओं का जो फैसला है, ये किसके गले में ये ताज हार पहनाता है, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। गगन सिंह के साथ संदीप वत्स, बंसल न्यूज़, उज्जैन।